एवरीवन वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ दिस आई मेकअप लुक। सो दिस इज डे 5th ऑफ ग्लिटर मेकअप सीरीज। सो आई होप आप प्रीवियस सारे वीडियोस देखे हो और आप एंजॉय भी किए हो और आज का वीडियो भी आपको पसंद आ रहा होगा। अगर आपको देखना है हाउ टू गेट दिस लुक देन प्लीज कीप ऑन वॉचिंग। अगर आपको फुल फेस मेकअप देखना है देन सब्सक्राइब माई सेकेंड चैनल, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। सो लेट्स स्टार्ट विथ टूडेज वीडियो। तो पैलेट के लिए मैं यहाँ पे यूज़ करी मॉर्फी जेम चर्स का पैलेट और सबसे पहले मैं एक फ्लफी स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश ले लूँगी और इसका हेल्प से मैं ऑरेंज शेड को पिक करूँगी और उसको अप्लाई करूँगी अपने क्रीज पे। सो बहुत स्लोली स्लोली मैं कलर को बिल्ड करूँगी। सो सबसे पहले मैं थोड़ा सा प्रोडक्ट लेके आउटर वी पे अप्लाई करूँगी एंड धीरे धीरे उसको मैं इनर सेक्शन पे भी लेके आऊँगी। सो ये हम लोगों का ट्रांजिशन शेड है और इसको मैं धीरे धीरे ब्लेंड करूँगी अपने क्रीज पे। नेक्स्ट मैं एक क्लीन ब्रश ले लूंगी और इसके एजेस को थोड़ा सा और डिफ्यूज कर दूंगी। सो उसको ब्लेंड करूंगी एंड सॉफ्ट कर दूंगी थोड़ा सा। इसके बाद मैं फिर से एक स्मॉलर पेंसिल काइंड ऑफ ब्रश ले लूंगी और उसका हेल्प से थोड़ा सा डार्कर काइंड ऑफ रेडिश ऑरेंज शेड है उसको अप्लाई करूंगी और उसको मैं एकदम क्रीज पे थोड़ा सा नीचे अप्लाई कर रही हूँ प्रीवियस शेड से और इसको भी मैं सेम तरीके से अप्लाई कर रही हूँ और आउटर व्यू पे थोड़ा सा इंटेंसिफाई करूंगी इसको और मेनली क्रीज पे मैं फोकस कर रही हूँ एज यू कैन सी। नेक्स्ट मैं और थोड़ा सा छोटा पेंसिल ब्रश काइंड ऑफ ले लूंगी और इसके हेल्प से जो पर्पल शेड है उसको अप्लाई करूंगी अपने आउटर वी पे। सो इसको आउटर वी पे ही रखेंगे, बहुत ज्यादा क्रीज पे नहीं लेके जाऊंगी। सो धीरे धीरे इस कलर को अप्लाई करें बिकॉज ये सबसे ज्यादा डार्क शेड है साई मेकअप का। सो थोड़ा कम ही अप्लाई करें एट ए टाइम। सो सबसे पहले मैं इसको जस्ट पैक कर रही हूँ कलर को और प्रीवियस शेड के साथ मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी। सो सबसे पहले ऑरेंज शेड को देख के मैं इसके एजेस को थोड़ा सा ब्लेंड कर लूँगी एंड देन लाइटर ऑरेंज शेड को लेके मैं इसको और अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। सो तीनों कलर ताकि आपस में भी बहुत अच्छे से ब्लेंडेड लगे। नेक्स्ट मैं और एक पेंसिल ब्रश ले लूँगी और यहाँ पे मैंने जो डार्क रेड शेड है हुडा ब्यूटी रोज गोल्ड पैलेट में उसको अप्लाई कर रही हूँ और उसको भी मैं आउटर वी पे ही अप्लाई कर रही हूँ जस्ट पर्पल के आसपास। सो आप देख सकते हो यहाँ पे पर्पल लास्ट तक आपको बहुत ज़्यादा नहीं दिखेगा बिकॉज मैं उसके ऊपर में ये डार्कर रेड शेड को अप्लाई की हूँ। सो मुझे वो हिंट ऑफ पर्पल चाहिए था बट मैं मेनली रेड एंड ऑरेंजेस पे ही ज़्यादा फोकस कर रही हूँ इस आई मेकअप में और इसको भी मैं क्रीज पे लेके जाऊंगी और इनर सेक्शन पे भी मैं लेके जा रही हूँ। अगेन मैं इसको थोड़ा सा और डिफ्यूज कर दूंगी दूसरे कलर के साथ ब्लेंड करके। इसके बाद मैं कट क्रीज ड्रॉ करूंगी और कंसीलर के लिए मैंने पैक का टेक कवर कंसीलर यूज किया है एंड ब्रश के लिए मैंने मेरा ऑल टाइम फेवरेट प्रो आर्ट का कंसीलर ब्रश यूज किया है। तो सबसे पहले मैं क्रीज पे मार्क कर लूंगी कहाँ तक मुझे कट करना है क्रीज। तो आप भी ऐसे ही करें, थोड़ा थोड़ा करके क्रीज को पहले मार्क कर ले एंड देन कंसीलर लेके उसके नीचे पूरा क्लीन कर ले। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बिगर स्पेस रखा है अपने आईलिड को बिकॉज मैं जो आईलिड पे ग्लिटर रखूंगी और कलर रखूंगी वो ज्यादा पॉप हो मैं चाहती हूँ। सो अगर आपका आईज काफी बड़ा है तो ये आई मेकअप आपके आईज पे बहुत अच्छा लगने वाला है। नेक्स्ट यहाँ पे एक मैं फ्लड ब्रश ले लूंगी और उसके हेल्प से व्हाइट जो शेड है उसको अप्लाई करूंगी इनर कॉर्नर के साइड पे काइंड ऑफ सेंटर लीड तक लाऊंगी और ये मैट शेड है। सो कंसीलर को मैंने अलग से सेट नहीं किया है, ये खुद सेट हुआ है और इनर सेक्शन को बस मैं व्हाइट शेडो के हेल्प से सेट करूंगी। तो आउटर कॉर्नर पे थोड़ा सा पर्पल एंड रेड के साथ ब्लेंड कर लूंगी। सो थोड़ा थोड़ा करके कलर को लेके आपको सेंटर लीड की तरफ आना है। सो रेड शेड को मैं एकदम आउटर कॉर्नर के साइड पे अप्लाई की हूँ एंड इसके बाद जो ऑरेंज रेड शेड है उसको अप्लाई करूंगी। सो थोड़ा थोड़ा सेक्शन में ही कलर को प्लेस करें। सो यहाँ पे मैं डार्कर शेड टू लाइटर शेड पे जा रही हूँ रेडिएशन काइंड ऑफ क्रिएट करते हुए। आउटर कॉर्नर के साइड पे बहुत ज्यादा डार्क, देन मिड में थोड़ा सा कम डार्क एंड देन इनर सेक्शन में और लाइट 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 होते जाएगा। Now, baby,
सो अगेन मैं ऑरेंज शेड को अप्लाई करूँ इसके बाद और इसको मैं प्रीवियस शेड के साथ ब्लेंड करते हुए अप्लाई करूँ। सो एज यू कैन सी जो भी कलर मैं अप्लाई करूँ उसको प्रीवियस कलर के साथ अच्छे से ब्लेंड करते हुए अप्लाई करूँ। आफ्टर व्यू पे मैं थोड़ा सा और पर्पल शेड को अप्लाई करूँ टू गिव मोर डेप्थ, बट आप प्रोमिनेंटली पर्पल शेड नहीं देख पाऊंगे। उसके बाद जो येलो शेड है मॉर्फी वाले पैलेट पे उसको अप्लाई कर रही हूँ और उसको मैं इनर सेक्शन पे अप्लाई कर रही हूँ आफ्टर ऑरेंज शेड, और बहुत ज़्यादा इसको अप्लाई नहीं कर रही हूँ, बहुत थोड़ा सा ही अप्लाई कर रही हूँ, जस्ट हिंट ऑफ येलो रहेगा इनर सेक्शन पे। इसके बाद मैं अप्लाई करूँगी ग्लिटर, जिसके लिए मैं यूज़ करूँ किंगडम ऑफ लैशेस का ग्लिटर पैलेट, और इसमें से जो ऑरेंज ग्लिटर है उसको एक फ्लड ब्रश के हेल्प से अप्लाई करूंगी और उसको मैं अप्लाई करूँ सेंटर लीड पे पूरे आई मेकअप में, मतलब पूरे लीड पे आपको नहीं अप्लाई करना है बट थोड़ा सा पोर्शन में जहाँ पे आपको ऑरेंज और रेड शेड आप अप्लाई की है वहाँ पे आपको अप्लाई करना है। सो थोड़ा सा करके लेके इसको जस्ट डिफ्यूज़ कर देना है। सो ग्लिटर को जस्ट एक जगह पे चिपका नहीं देना है, थोड़ा सा उसको ब्लेंड करना है ताकि आपको थोड़ा सा ग्लिटर के स्पेक्स चारों ओर रहे। नेक्स्ट लाइनर ड्रॉ करूंगी, यहाँ पे लिक्विड लाइनर यूज किया है, ये है फेसेस कैमरा का मैग्नेट आईज लिक्विड लाइनर, इसके हेल्प से मैं विंग लाइनर ड्रॉ करूंगी। सो ये आई मेकअप आप काइंड ऑफ बोल सकते हो ब्राइडल आई मेकअप, आप इसको ब्राइड के ऊपर कर सकते हो और बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा। इसके बाद मैं काजल अप्लाई करूंगी अपने वाटर लाइन पे, दिस वन इज फ्रॉम नाइका रॉक द लाइन काजल, आई लव दिस प्रोडक्ट। नेक्स्ट हाइलाइटर अप्लाई करूंगी इनर कॉर्नर एंड ब्राउ बोन पे, जिसके लिए मैंने यूज किया है बेनिफिट का डैंडेलियन ट्विंकल हाईलाइट। सो इनर कॉर्नर एंड ब्राउ बोन को अच्छे से हाईलाइट कर लूंगी। सो ये स्टेप भी आप स्किप मत करना, बहुत अच्छा इफेक्ट देता है इससे। नेक्स्ट मैं सबसे डार्कर रेड शेड को लोअर लैश लाइन के आउटर की तरफ मैं अप्लाई कर रही हूँ, जस्ट आपको वैसा ही फॉलो करना है, रेड देन ऑरेंज देन येलो, जस्ट ऐसे ही फॉलो करना है। एंड इनर कॉर्नर को पॉइंटेड क्रिएट करूंगी विद सेम आईलाइनर। मस्कारा के लिए यहाँ पे यूज कर रही हूँ लॉरियल लैश पैराडाइज मस्कारा, मैं अपर एंड लोअर लैशेस को कोट कर लूंगी सेम मस्कारा की हेल्प से। एंड दिस इज द फाइनल फिनिश लुक, मैंने फोर्स आई लैशेस भी अप्लाई किया है। सो आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा आज का आई मेकअप। जो भी प्रोडक्ट इस वीडियो में मैं यूज की हूँ उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हो। सो मैं आपसे फिर से मिलूंगी न्यू वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। If you wanna go sometime, if you wanna